मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, क्योंकि न्यूज प्लस लाया है राष्ट्र स्तर का एक शानदार प्रोजेक्ट विजन इंडिया। बनिए विजन इंडिया के सदस्य और कीजिए अपने सपनों को साकार। सदस्यता लेने के लिए आज ही संपर्क। कोरोना संक्रमण का असर इस बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पर पड़ सकता है। पहले निकट आते दशहरा उत्सव के दौरान दशहरा मैदानों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दशहरे में व्यापारियों, स्थानीय लोगों की भीड़ का जमावड़ा देखने को मिलता था, लेकिन आने वाले इस दशहरा उत्सव में हो सकता है कि ये देखने को बहुत कम मिले। गौरतलब है कि सन 1971 में दशहरा उत्सव के दौरान कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी, जिसका असर अगले दो वर्षों तक रहा। व्यापारिक मेला तो हुआ, लेकिन रघुनाथ रथ को इन उत्सवों में नहीं देखा गया था। दशहरा उत्सव में देवालु कितनी संख्या में अपने देवी देवताओं के साथ आएंगे, व्यापारिक मेला किस तरह का रहेगा, इसके लिए उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2020 के आयोजन को लेकर देव सदन में 12 अक्टूबर को बैठक की जाएगी। बैठक में दशहरा उत्सव के आयोजन के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति मंत्री और दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर की उपस्थिति में की जाएगी। न्यूज प्लस के लिए कुल्लू से कैमरा पर्सन तुलसी सिंह के साथ दीपिका मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। सर, आपको क्या लगता है इस बार दशहरा कैसा रहेगा? जी, इस बार दशहरे की तो हालत बहुत ख़राब है। इस टाइम कोरोना के कारण मतलब मार्केट आप देख सकते हैं, मतलब पब्लिक बहुत कम है, लोग डर के कारण बहुत मतलब कम बाहर आ गए हैं, तो इस कारण दशहरे का तो चांसेस बहुत कम है, मतलब तो इस कारण तो पब्लिक तो बहुत कम है मार्केट में। इससे व्यापारी को काफ़ी मतलब नुकसान देखना पड़ रहा है इस बार, और हमारा तो मतलब बहुत बुरी हाल है दुकानदारों को, तो इस टाइम व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मतलब इस टाइम काम है नहीं मार्केट में, और दशहरे के कारण तो और भी काफ़ी मंदा है, मतलब और काफ़ी लोगों पे इनका असर होगा, मतलब खासकर जो गरीब लोग हैं, जो जिनका छोटा मोटा कारोबार है, उनका उनके ज़्यादा इनका असर होगा। जी, अपनी पॉकेट को रखना चाहते हैं हमेशा मेंटेन, तो हर खरीदारी से पहले कीजिए अपने कार्ड को स्कैन, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको ढेर सारे ऑफर और हजारों रुपए का डिस्काउंट। अब खरीदारी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर जगह होगी आपकी बचत ही बचत। बस ध्यान रहे, हर खरीदारी से पहले अपना कार्ड स्कैन करें, जहाँ मिलेगी आपको हर ऑफर की जानकारी। विजन इंडिया की सदस्यता लेने के लिए आज ही संपर्क करें।